छत्तीसगढ़ जगदलपुर शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड का एक परिवार परेशानी के साथ कई महीनों से बदबूदार व कीड़े लगे पानी में रहने को मजबूर है, जिसकी शिकायत निवासी ने लिखित रूप से बस्तर कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त तथा महापौर तक को किया है, परंतु उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे परिजन मीडिया के द्वारा अधिकारी को संज्ञान दिलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिन में बरसात है और इसी प्रकार की समस्या रही तो घर के छोटे बच्चे जो जल्द बीमार हो सकते हैं। इसे देखते हुए ये अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो और बच्चे सहित बड़े बीमारी से बच सके। कल था, उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छा बनाएंगे, बरसात आ रहा है, खाना उना बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है बोल के तो बनाए। उसके बाद ना उन लोग ना फिर इधर रास्ता चाहिए और इधर नली चाहिए बोल के बोले। उसके बाद फिर हम लोग नहीं देंगे बोल के बोले तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करके ना मेरे लड़का का मुंडी कुटके तक मार के थाना में गए। थाना में भी उन लोग भी आए, थोड़ा देखे और चल दिए। उसके बाद फिर आए नहीं, उसका कोई कार्रवाई नहीं। तो वहाँ तहसील ऑफिस में जाओ या नगर में जाओ, तो वहाँ गए आवेदन दिए, तो नगर निगम में गए और कलेक्टर में ओमन का हम लोग दिए, तो उन लोग कलेक्टर ऑफिस में तो आवेदन दिए, उसका कोई जवाब नहीं आया। यहाँ गए दो तीन बार, हम आवेदन भी दिए और गए भी, हम लोग तो मिले भी मैडम से, तो आ रहे हैं भेज रही हूँ बोल के बोले मैडम, और फिर आ रहे नहीं हैं। ये मामला मेरे संज्ञान में है, ये दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मंजीत कौर नाम की जो लेडीज हैं उसने पूनम मौर्य के घर में गंदा पानी, अपने बाथरूम का गंदा पानी किचन में बहाया जा रहा है। इस मामले के लिए मैं वहाँ गई हुई थी, दोनों को समझाइश दिया गया पर दोनों पक्षों में कोई मानने को तैयार नहीं था। तो कलेक्टर सर को, पूनम मौर्य के द्वारा कलेक्टर सर, आयुक्त सर, महापौर महोदया को लेटर दिया गया, पर निगम प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। निगम प्रशासन से मेरा निवेदन है कि वो कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को राहत दिलाएं। वल्लभ भाई वार्ड से संबंधित यह मामला अभी मुझे आप लोग के माध्यम से सूचना मिली है, और सबसे पहले तो इस पर हमारी टीम जो है जांच करेगी और उसके उपरांत जो है जो भी इसमें अनियमितता पाई जाएगी या जो भी दोषी मिलेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और मैं इसको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इसका निराकरण हो जाए। अपनी टीम को मैं सबसे पहले भी जाँच में इसमें लगाऊँगा और जल्द से जल्द हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।